ऑलमोस्ट 320-330 किलोमीटर्स बाकी है। अगर थोड़ा जल्दी गए हम लोग तो थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे थे आराम आराम से जाएंगे करके। वैसे भी भाई 12:00 तो हम लोग पहुँच जाएंगे हुबली को। उसके बाद आज थोड़ा हुबली में काम है, अपने हेलमेट का भी काम है और थोड़ा गोबरों का भी काम है। और लगेज हम लोगों का इतना था, इतने दिन का स्टे जो है अपना, लगेज इतना था कि गाड़ी भर गया। अभी दोस्त अपना अभी भाई के घर पे अनलोड कर रहा है अपना लगेजेस, और अभी भाई के पापा उसको शिप करेंगे आज शाम को, मतलब एक बस में डाल देंगे और कल सुबह हम लोग जाके पिकअप कर लेंगे उसको पंजिम से प्रॉबेबली। लास्ट टाइम जब दांडेली ट्रिप किया था हम लोगों ने, तब भाई के गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो वहाँ पे टाइम चला गया था। अब की बार अपना सरकार हो गया। तो आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हम लोगों का। लिटरली अभी जब राखी आ रहा था तब उसके गाड़ी का भी एक एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो आगे एक टैंकर था उसने ब्रेक लगाई और ये भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन ये स्लो था तो इसने ज़ोर से ब्रेक मारी तो थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच आ गया उसका, इसमें दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा। लेकिन इसके पीछे एक ट्रक था और ट्रक के पीछे और एक इनोवा था, वो इनोवा का मेजर डैमेज हो गया, मतलब इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो उसने फ़ोन किया था तो हम लोगों ने रोक दिया था वहीं पे रोड पे ताकि हम लोग उसका भी वेट कर सके। फिर बाद में उसने बात कर ली और उसका कोई गलती नहीं था तो वो आ गया, लेकिन वो इनोवा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आज थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रिप चल रहा है, हम लोग भी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अपने हेलमेट का भी थोड़ा सा इशू हो गया है, वो भी मतलब आ गया है। मैंने RLC तिलक भाई को फ़ोन किया था, तिलक भाई ने बोला मैं एक नंबर का कुछ गम बोल दूंगा वो लेके लगा देना, वो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हुबली जाके उसको पहले रिजॉल्व करना है। तो अब के लिए ये अपडेट है, ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर्स डाउन और अभी ऑलमोस्ट 200 मोर किलोमीटर्स टू गो प्रॉबेबली, या 200-250 मोर किलोमीटर्स टू गो। रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो फ्यूल के लिए स्टॉप किया था, 2-3 बैटरी देखा, ड्रेन हो गया था वो, प्रॉबेबली कोल्ड की वजह से रहेगा, लेकिन और भी थोड़े बैटरीज हैं तो हमें तो हुबली तक चल जाएगा, उसके बाद का वहाँ पे देखेंगे। अभी फ्यूल हम लोगों ने डाला, अभी ने प्रॉबेबली 600-700 का डाला होगा। यशा कदरी पूरा, अच्छा उनका 800, मतलब मेरा कम ही रहेगा। मेरा 700 था। तो 171 किलोमीटर्स आ गए हम लोग, एग्जैक्टली बोले तो 350 या 360 है टोटल। अभी 170 किलोमीटर्स हो गया है तो, और गिन लो आप। जितना भी है उतना जाना है हमें, लेकिन सेफ साइड करीना हम लोगों ने डाल लिया फ्यूल। और हम लोग अभी फ्यूल डाल के आ रहे थे तो ये सर्विस रोड है, अभी स्लो ही ले। तो सर्विस रोड मतलब बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स, और बनता भी है क्योंकि डाइवर्शंस रहता है गांव के लिए। डाइवर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से एक या दो है शायद, लेकिन हुबली पहुँचने तक पहले बहुत सारे थे डाइवर्शंस, अभी बहुत कम हो गए हैं। ट्रैवलिंग टाइम भी अभी सही हो गया है। अरे 6 ही गियर होते हैं भाई, और कितना डालेगा।
फ्यूल फ्यूल करके चिल्लाने से पहले हम लोग अगर फुल कर ले तो सही रहेगा ना, इसलिए हम लोगों ने फुल कर लिया। यहाँ पे कोई अपने भाई खड़े हैं, प्रॉब्लमली रेस्ट कर रहे हैं या पिक्चर ले रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लास्ट टाइम जब आए थे वहाँ तक था वो, जब हम दांडेली का राइड किया था हम लोगों ने। तो अभी अपने मदन भाई भी आ रहे हैं पब्लिक को, तो मैड स्क्वाड रीयूनाइटेड वैसे हो जाएगा अपना। मैड स्क्वाड बहुत मुझे डीएम भी कर रहे थे क्या होता है करके, सोचा हर एक को बताने से बेटर है वीडियो में एक बार बता दूंगा। मैड MAD होता है ना, M फॉर मदन, A फॉर अभी और D फॉर DC वैसे। तो वैसे कुछ मैड स्क्वाड ऐसे बन गया था और वैसे वो रह भी गया। सो अभी और एक ब्रेक लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, पहली बार जब हमारे गोवा राइड का प्लान बना था तब यहीं पे ब्रेक लिया था, तो ये फ्लाई ओवर तब तक नहीं बना था तो हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क की थी। तो अभी राखी को वेट कर रहे हैं, वो भी आ रहा है लेकिन उसका थोड़ा देर लगेगा। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके चलेंगे करके। अभी हम लोगों को कवर करना है कुछ 170 to 180 किलोमीटर्स, अभी 210 कुछ कवर किया है। तो मिलते हैं रास्ते पे आपसे। सो अभी जाने का टाइम है, यहाँ पे अपने भाई मिले थे सलमान बोल के, तो उनसे भी मुलाकात हो गई अभी। तो अभी चल रहे हम लोग। ब्रो स्टार्ट, हाँ स्टार्ट स्टार्ट, ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। देर थोड़ा बहुत हो गया है लगता है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 12 होने को है, 11:50 हुआ था अभी। तो मुझे वो लगता नहीं कि मैं क्लच बिना पकड़े क्लच को अगर चेंज कर दूंगा तो कुछ क्लच प्लेट को हो जाएगा करके, तो इसीलिए मैं यूज़ करता रहता हूँ। ये अपने भाई लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते रहते मुझे कमेंट सेक्शन में कि यार क्या यार क्विक शिफ्टर को विद क्लच क्विक शिफ्ट करता है, वो लेट शिफ्ट हो गया क्विक नहीं हुआ वो करके। यहाँ पे एक मेजर डैमेज हो गया आज, ஓ இல்லை தலோ तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अभी अभी से बात कर करके मेरा गला बैठ गया है और अभी भी मैं यहाँ पे बैठ गया है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है, तो ये अपना लोगो लोगो वाला टी शर्ट, और ये अपने लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये मिस्टर राकेश है, ये कहाँ पे है रे, हाँ यहाँ पे फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड दिस इज़ आर सेकेंड सब्सक्राइबर। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, इस होटल का नाम है कल्ट, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऐसा है, तो ऐसा है, गाड़ी सब वहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो गाड़ी सब वहाँ पे पार्क किया है हम लोगों ने, और ये अपना रूम है 205, और वाईफाई मस्त एकदम पूरा पूरा तेज चल रहा है वाईफाई। कैसा है रे वाईफाई? वाईफाई नहीं है यहाँ पे, गर्म पानी भी नहीं है, गर्म करके दे रहे पानी। अभी हम लोग नहा के रेडी हो जाएंगे, अभी टाइम है 10 बजे, खाने को अभी तक नहीं गए, अपना फ्रेंड भी आ रहा है। ये व्हाट्सअप व्हाट्सअप चिंटू, टेल in front of the camera. ये हरीशन फोन मारा था। ओके